तो क्या हाल है दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए वीडियोस नहीं आए और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि एमडिक्स का जो स्मार्ट एड प्लेटफॉर्म है भैया वो बता दो यार, कितने दिन से बोल रहा हूँ। तो भाई लो, आज आपके लिए वीडियो आ गई है। काफ़ी एक्चुअली बात ये था ना कि स्मार्ट एड प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ नहीं किया था, उसको समझना था, इसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। अभी बेसिकली मैंने उसको एक्सपीरियंस कर लिया है और चीज़ें को अच्छे से समझ लिया है। आज मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ कि स्मार्ट एड प्लेटफॉर्म से आप पैसे कैसे कमा सकते हो और अपना चैनल का प्रमोशन कैसे कर सकते हो। और साथ साथ में अगर आप किसी और से पैसे ले रहे हो तो आप मान लो कि 70 रुपीज़ अगर किसी से ले रहे हो ना, तो आप 2 रुपीज़ दे के 70 रुपीज़ ले सकते हो। अब कैसे कैसे ये चीज़ें काम करेगी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको एक तरह से हैक रहेगा तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से समझना होगा, अच्छे से देखना होगा, पूरा वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि आपको अगर अच्छे से नहीं देखोगे, समझ में नहीं आएगा तो आप अपना पैसा यहाँ पे गवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस वहाँ पे आपको पैसा गवाने का भी बहुत सारा वहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, तो आपको अच्छे से चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, अच्छे से चीज़ें जो मैंने दिखाया है वीडियो में बताया उसको देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम है अमृत, ब्लॉगर, डिजिटल मार्केटर, यूट्यूबर एंड इंजीनियर। तो दोस्तों मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहीं पर आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्मार्ट एड प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि एमडिक्स का है और बहुत इजी तरीका होगा, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो बॉट है, इस बॉट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे, स्टार्ट आप अभी तो फिलहाल यहाँ पर नहीं हो रहा है, मैं इसको फिर से रिस्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो बेसिकली मैंने इसको बंद किया था, फिर से रिस्टार्ट किया, तो आपको कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बहुत ईजी है, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर मान लो आपको अपना चैनल का प्रमोशन करवाना है या फिर आपको अर्निंग करना है, तो दोनों प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मान लो आपको अपने चैनल का प्रमोशन करवाना है तो आपको क्या करना होगा, मतलब कि ये बेसिकली ऐड प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप अपने चैनल का यहाँ पे किसी भी अलग चैनल पे प्रमोशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑल ऐड प्लेटफॉर्म यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे जितने भी चैनल मेंशंस हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर व्यू चैनल पे क्लिक करेंगे तो ये देखो चैनल यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और हम बैक करते हैं और यहाँ पे देखो बहुत सारे चैनल मेंशन हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी चैनल यहाँ पे मेंशन हो तो वीडियो देखते रहें, बहुत अच्छे से बहुत ईजी तरीका मैं आपको बताऊँगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको अच्छे से समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि देखो अगर हमको यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अगर बैलेंस है आपके एमडिक्स के अकाउंट में 1000, मतलब आपके एमडिक्स के अकाउंट में व्यूज़ जो काउंट होते हैं, जैसे कि हम अगर अपना अकाउंट चेक करें तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो टूल फाइनेंस, जो ये हमारा एमडिक्स का बॉट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम वॉलेट में चेक करें तो वॉलेट में यहाँ पर देख रहे हो $1 है हमारे पास, 2000 व्यूज़ है, ठीक है। तो आपको क्या अगर आपको प्रमोशन करवाना है तो जो व्यूज़ यहाँ आपके पास हैं वही यूज़ होगा, या फिर आप इसको परचेज़ भी कर सकते हो। परचेज़ कैसे ख़रीदना वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फ़िलहाल अभी मैं आपके पास अगर व्यूज़ हैं तो आप कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखो कि $1 है, 200 व्यूज़ है। और यहाँ पर देखो अगर हम दूसरे अकाउंट में चेक कराएं तो यहाँ पे देखो ऑल एड प्लेसमेंट, तो यहाँ पे देखो CPM लिखा हुआ है, CPM $3.0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस चैनल में आप प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो आपको $3 जरूरत पड़ेगा, ठीक है, 3000 व्यूज़। तो ये आपके पास अगर होगा तभी आप इस चैनल में पोस्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इस चैनल पर $3 का जो प्राइस रखा गया है किस बेसिस पर रखा गया है, तो $3 आपका 1000 व्यूज़ पे रखा गया है। मतलब अगर आपका जो पोस्ट है इस चैनल पे, अगर आप जो भी प्रमोशन करवाओगे अगर उस पोस्ट पे 1000 व्यूज़ आ जाता है तो आपका जो $3 था वो मतलब यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। बेसिकली आज जैसे कि आपने यहाँ पे पोस्ट डाला और आपके अकाउंट से वो बैलेंस कट जाता है और 1000 व्यूज़ जैसे कंप्लीट होंगे वो ऐड इस चैनल से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोसेस है यहाँ पर। अब आप पैसे कमा कैसे सकते हो, तो आप यहाँ पे ना ये जो चैनल है यहाँ पे आप अपना चैनल भी लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे, तो हम जाएंगे यहाँ पे मी में,
ठीक है, मी में यहाँ देखो यहाँ पे कोई भी आपको चैनल्स नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, योर चैनल, ठीक, तो योर चैनल आप अपना चैनल यहाँ पे इस ऐड प्लेटफॉर्म जो ये एमडिक्स का है उस पर आप डाल सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे आप पूछ रहा है, जैसे आप योर चैनल पे क्लिक करोगे पूछेगा कि प्लीज़ इंटर द CPM प्रोमोटेड इन योर चैनल, तो ये आपसे पूछ रहा है कि भैया आप जो चैनल यहाँ पे सेट कर रहे हो मतलब लगा रहे हो आप किसी और से कितना पैसा लेना चाहते हो, ठीक है, मतलब कि अगला बंदा अगर यहाँ पे ऐड यहाँ पे देखो सब अपना अपना सेट करके रखा है $3, $2, $1,000, $0.7, तो भैया आप कितना लोगों से लेना चाहते हो। तो अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे भैया हम $1 लेंगे अगर 1,000 व्यूज़ आएगा तो, ठीक है, तो अब ये बोलेगा कि भैया आप अपने चैनल का यहाँ पर लिंक दो। लिंक कैसा देना है, तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम में आपको लिंक देना है, तो यूज़र नेम कैसे आप निकालेंगे, आपका चैनल जो है पब्लिक होना चाहिए, तो यहाँ पे हम जाएंगे, अगर हम अपना चैनल में जाते हैं चीप डील्स ऑफर्स, अगर आपने किसी को ज्वाइन नहीं किया है चीप डील्स ऑफर्स इसको आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अमेजॉन फ्लिपकार्ट का डील्स आते रहता है, तो आप ज्वाइन कर लेना। इसका जो लिंक है इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जाएंगे स्मार्ट ऐड प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे देखो telegram.me के बाद एक स्लैश लगा हुआ है, इस स्लैश के बाद हम जो है सारा बैक करके डिलीट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद ऐट द रेट लगाएंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे। तो ये जो है ये फिर से अब यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन अभी नहीं भेजा, तो हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, कभी कभी इशू आता है तो हम एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं। तो $1 और फिर से अगर हम लिंक यहाँ पर डालते हैं ऐट द रेट लगाते हैं तो हाँ, तो अब क्या बोल रहा है देखो, आपको क्या करना, मान लो कि एक बार कुछ एरर आ गया वगैरह आ गया तो आप यहाँ पे क्लिक करना स्टार्ट बोर्ड पे, फिर से क्लिक करना तो सारा फिर से रिफ्रेश हो जाएगा और चीज़ें काम करने लगेगी। तो अब यहाँ बोल रहा है प्लीज़ मेक दिस बॉट एन एडमिन, तो हम क्या करेंगे ये जो स्मार्ट एड प्लेटफॉर्म वाला जो बॉट है इसको क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इसका यूज़र नेम का, ठीक, यूज़र नेम मैंने कॉपी कर लिया। अब जो भी आपने चैनल यहाँ पे डाला है उसमें इस बॉट को हम एडमिन बनाएंगे, तो हम जाएंगे चीप डील्स ऑफर्स में, चीप डील्स ऑफर्स में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर में, ऐड एज एडमिन में जाएंगे, फिर यहाँ पे सर्च करेंगे और स्मार्ट ऐड प्लेटफॉर्म को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा देखो स्मार्ट ऐड प्लेटफॉर्म आ गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से स्मार्ट ऐड प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और फिर से स्टार्ट बॉट योर चैनल, और अगर हम फिर से यहाँ पे डाल दें तो यहाँ पे देखो लिंक अगर ये वाला लिंक नहीं, तो यहाँ से ये जो लिंक है इसको हम कॉपी करेंगे और फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो मैं ज़्यादा कट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी दिखाना चाहता हूँ कि आपको कहाँ पे गलती अगर होगा तो इशू हो सकता है। तो बोल रहा है कि यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस चैनल, प्लीज़ यूज़ द चैनल ओनर्स अकाउंट टू ऑपरेट। तो बेसिकली ये जो बोल रहा है कि भैया आप जो है ना ये चैनल के ओनर नहीं है, तो हाँ सही बात है कि इस चैनल का जो है ना मैं सिर्फ एडमिन हूँ, तो मेरा जो यूज़र नेम ऑलरेडी है इस चैनल ये दूसरे अकाउंट में है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ योर चैनल और $1 और यहाँ पे यूज़र नेम डाल दिया और देखो यहाँ पे ऐड न्यू चैनल सक्सेसफुली। तो बेसिकली आप अगर आप उस चैनल के एडमिन हो तभी आप चैनल को यहाँ पे लिस्टिंग पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे अब अगर हम चेक करें तो हमारा 13,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है, और कैसे ऐड लगता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो चीप डील्स ऑफर्स आ गया, तो बाय एड प्लेसमेंट, तो हम यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे, ठीक है, बाय पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आप कितना बजट यहाँ पे देना चाहते हो, तो इसका जो बजट है वो CPM $1 है, ठीक है, किसी और चैनल का आप मान रहे हो देख रहे हो तो CPM $1 है, मतलब कि $1 पे आपको 1,000 व्यूज़ मिलेंगे। आपने अगर इसको इस चैनल का ऐड खरीदते हो, इस चैनल पे अपना चैनल का लिंक पोस्ट करवाते हो तो आपको $1 पे 1,000 व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि इसने CPM सेट करके रखा, बेसिकली हमने ही सेट किया था, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो हाँ भाई ठीक है, यहाँ पूछ रहा है प्लीज़ इंटर योर बजट फॉर प्रमोशन, तो हम कितना बजट देना चाहते हैं, तो मान लो कि अगर हमको 2,000 व्यूज़ चाहिए, तो व्यूज़ चाहिए तो हमको $1 पे कितना मिलेगा, तो 1,000 व्यूज़ मिलेगा, तो 2,000 पे कितना मिलेगा, तो 3,000 व्यूज़ मिलेगा, तो हम मान लो कि 1,000 व्यूज़ लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज़ एंटर द कंटेंट ऑफ योर एड, यू वांट टू प्रमोट योर टेलीग्राम चैनल, तो भाई यहाँ पे कंटेंट क्या है, कंटेंट मतलब जो भी आप चैनल का प्रमोशन करवाना चाहते हो, और यहाँ पे हम कंटेंट के जगह पे अपना चैनल का लिंक दे देते हैं, आप कोई भी ऐड दे सकते हो।
ऐड में आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, हो जाएगा। तो यहाँ पे एडवर्टाइज एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, न्यू ऐड कमिंग सून टू योर चैनल्स इफ़ यू डोंट वांट टू रिप्लाई 30। तो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये नोटिफिकेशन जाएगा अगला बंदा को जो चैनल का ऑनर होगा। तो हम ही चैनल का ऑनर है तो हम ही को ये ऑप्शन आ रहा है कि भाई देखो इस ऐड को अगर आप 30 मिनट में अप्रूव कर देते हो तो आप एग्री करते हो कि हाँ भाई मैं इस चैनल का ऐड करूँगा, तो अप्रूव करोगे। अप्रूव करने के बाद क्या हो कि अप्रूव करने के बाद देखो यही जो ऐड है अप्रूव हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो ऐड है वो यहाँ पे सबमिट हो गया है और ये जो ऐड है इसी चैनल पे फिर से ऐड रन शो होने लगेगा। और अगर हम अपना एमडिक्स का अगर हम दिखाएं वीडियो टूल फाइनेंस, उस पे जो मेरा वॉलेट था वो चेक करते हैं एक बार। तो वॉलेट में अभी भी मेरा $1 है क्योंकि मैंने अपने ही अकाउंट पे यहाँ पे चीज़ें करी हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी चैनल आप किसी मतलब आपका जो चैनल आप किसी और पे प्रमोशन करवाएंगे तो आप जैसे उस बंदे के पास ये नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन अभी आया था कि अप्रूव करें कि नहीं, तो जैसे वो बंदा अप्रूव कर देगा कि आपका जो चैनल का लिंक है वो उसके चैनल पर पोस्ट कर दिया जाएगा और प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करना। एक तरीका भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप मान लो कि किसी का ऐड आप अपने चैनल पर डालते हो लेकिन आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने चैनल का व्यूज़ वगैरह भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि हमारा जो एक वेबसाइट है tajpanel.com, यहाँ पे क्या है कि हम जो है टेलीग्राम से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम दिखाएंगे हमारा न्यू ऑर्डर। अगर मान लो कि आपको अपने चैनल का पोस्ट का व्यूज़ बढ़ाना है, ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पे देखो टेलीग्राम ऑटो व्यूज़ फॉर फ्यूचर्स, ठीक है, टेलीग्राम नॉन ड्रॉप, टेलीग्राम पोस्ट व्यूज़ एंड वोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीग्राम की सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। अगर किसी को इंडियन सब्सक्राइबर चाहिए तो यहाँ से ले सकता है, इंडियन ग्रुप चैनल के लिए उनको सब्सक्राइबर चाहिए तो यहाँ पे रियल एक्टिव सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी ले सकते हो। फिर किसी को नॉन ड्रॉप सब्सक्राइबर चाहिए होता है तो टेलीग्राम नॉन ड्रॉप जाएंगे, तो यहाँ पे टेलीग्राम नॉन ड्रॉप हाई क्वालिटी जो है ये आप चूज़ करना, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, इसको आप चूज़ कर सकते हो। फिर किसी को पोस्ट व्यूज़ जाना है तो यहाँ पे आप जाके पोस्ट व्यूज़ काफ़ी कम प्राइस में बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप देखो कि फ्री व्यूज़ भी आपको मिलते हैं। फिर आपको टेलीग्राम पोस्ट व्यूज़ अगर लास्ट देखें तो लास्ट वन पोस्ट पे आपको कितना है 2 रुपीज़ लग रहा है और 2 रुपीज़ में आपको कितना मिल जाएगा, 1000 व्यूज़ मिल जाएगा। जैसे कि हम 1000 व्यूज़ यहाँ पे डालें तो 2 रुपीज़ में आपको व्यूज़ मिल जा रहा है। तो बेसिकली अगर कोई ऐड आता है आपके पास तो आप यहाँ से व्यूज़ परचेज़ कर सकते हो और आपका जो मतलब आप ऑब्वियसली यहाँ से प्रॉफिट बना रहे हो, क्योंकि देखो आप कमा रहे हो एमडिक्स से $1 लेकिन आपको 2 रुपया लग रहा है 1000 व्यूज़ बढ़ाने का, या फिर बेसिकली बहुत ईजी है, बहुत एक तरह से हैक समझ लो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप टेलीग्राम का सब्सक्राइबर ले लेना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपका चैनल ग्रो करेगा। फिर यूट्यूब का भी सब्सक्राइबर लाइक्स व्यूज़ यहाँ पे मिलते हैं, टेलीग्राम का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रही है, आप चीज़ें को ले सकते हो। अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो, आई बटन में एक वीडियो मिलेगा आपको कि हाउ टू यूज़ ताज पैनल, हाउ टू ऐड फंड्स, तो आप उसको देख के यूज़ कर सकते हो। तो बहुत आसान है और इजी रहेगा आपको अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती है, राइट। आपको पता चल गया होगा स्मार्ट ऐड प्लेटफॉर्म क्या होता है कि और कैसे आप उससे अर्निंग कर सकते हो, कैसे आप ऐड प्लेटफॉर्म वहाँ पे अपना चैनल का ऐड वहाँ पे सेट कर सकते हो, साथ ही साथ कैसे आप ताज पैनल का यूज़ करके कैसे आप प्रॉफिट वहाँ पे बना सकते हो। तो अगर किसी को अपने टेलीग्राम चैनल का प्रमोशन करवाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताज पैनल का लिंक, वहाँ से आप चीज़ें परचेज कर सकते हो अपने हिसाब से। साथ ही साथ अगर किसी को लिंक शॉर्टनर से अर्निंग करनी थी तो हमने वो अपना लिंक शॉर्टनर लॉन्च कर दिया है और उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, एड्रिनो लिंक्स को। तो उम्मीद करता दोस्तों आपकी सारी क्वेश्चन यहाँ पे हल हो गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को यहाँ पे आप जरूर लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई शिकायत है भाई से, तो जल्दी इस वीडियो को कमेंट कर दो। और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस और टेलीग्राम से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस हम लाते रहते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छा चीज़ें खाइए, सेहत बनाइए क्योंकि वही आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल।